तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एलईडी ड्राइवर को रिपेयर करने वाले हैं। ये एलईडी ड्राइवर 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में। डेड कैसे हुआ, तेज लाइट आने से अचानक इसमें ब्लास्ट हुआ और धुआं आया और तब ये काम करना बंद कर दिया। ये स्ट्रिप एलईडी के साथ में लगा हुआ था, बट इससे आप 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की कोई भी चीज़ आप इजीली चला सकते हैं, बट स्पेशली स्ट्रिप के साथ है तो ठीक है। बट इसको आज रिपेयर करने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम रिपेयर करेंगे। तो इसको इस तरीके से हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरीके से निकल के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसमें ब्लास्ट हुआ होगा तो कोई ऐसा कंपोनेंट या कुछ ना कुछ इसमें ब्लास्टिंग में जो कंपोनेंट डैमेज हुआ होगा उसकी वजह से यहाँ देखिए काला पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक कंपोनेंट ये जल के टूटा हुआ है। अभी कौन सा कंपोनेंट टूटा है, क्या इस कंपोनेंट को रिप्लेस करने से काम बन जाएगा या फिर कुछ और भी हमें चेक करना पड़ेगा, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब इस ड्राइवर के अंदर जो देखिए बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, किसी में आपको मॉस्फेट मिल जाएगा, किसी में आपको ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, किसी में आपको आईसी मिल जाती है। इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। चलिए पहले सभी चीज़ें देखते हैं और चेक करते हैं इसमें बेसिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड में रखा जाता है। जब भी कभी कंपोनेंट्स आपने चेक करने हो, लगभग 90% कंपोनेंट मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी या बजर मोड में चेक किए जाते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस होती है जो रेजिस्टेंस मोड में चेक करी जाती है, बाकी ज़्यादातर कंपोनेंट्स हमारे बजर मोड में चेक होते हैं। अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं इसके बारे में। यहाँ से इनपुट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट का ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पर इनपुट जहाँ पर होगा वहाँ पर एसी भी लिखा रहेगा और आउटपुट में आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। और जहाँ पर इनपुट होता है वहीं पर आपको चार डायोड की एक सीरीज मिलेगी, यानी कि एक रेक्टिफायर मिलेगा। चारों डायोड से मिलकर एक रेक्टिफायर बनता है जो कि एसी को डीसी बनाने का काम करता है। तो ये इनपुट है करके हमें डायोड को देखने से पता चलेगा। अब यहाँ से हमने इनपुट दिया और यहाँ पर एनटीसी यहाँ पर लगा हुआ था, जैसे कि डिस्क साइज में, गोल साइज में है, तो इसका मतलब ये एनटीसी यहाँ पर लिखा भी है। तो एनटीसी लगा हुआ है, किसी में फ्यूज होता है, किसी में एनटीसी हो। जरूरी नहीं कि सर्किट में फ्यूज ही लगा हुआ है, किसी किसी में एनटीसी भी लगा हुआ आता है। दोनों का काम सर्किट को प्रोटेक्ट करना ही है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए रेक्टिफायर में हमारी जो दोनों लाइव न्यूट्रल गई और रेक्टिफायर ने एसी को डीसी बनाया और डीसी बना के सीधे कैपेसिटर को दिया। कैपेसिटर के बाद फिर हमारे इसमें क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये MJE 13003, ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में क्या, ट्रांजिस्टर ने स्विचिंग करके SM ट्रांसफॉर्मर को या इस चोपर ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल दिया और इसने डीसी को आउटपुट किया और उसके बाद यहाँ से निकल गया, मतलब यही प्रोसेस है। अब देखिए इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी सेक्शन। अब इसमें प्राइमरी सेक्शन में हमारे इतने कंपोनेंट्स आते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर के इतने जितने भी इधर पे दिख रहे हैं सभी प्राइमरी सेक्शन में आते हैं। कैपेसिटर की शेप भी थोड़ा सा चेंज है, कैपेसिटर भी हल्का सा फूला हुआ नीचे से लग रहा है, तो चेक हम सभी चीज़ें करेंगे। तो कंटिन्यूटी मोड में हमने रखा हुआ है। देखिए हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, कई चीज़ें हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं ताकि जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आती है थोड़ा सा सीखें। ठीक है, हम किसी भी सर्किट को खोलें और पहले से हम उसको रिपेयर करके बता दें कि हाँ बस ये चेंज कर लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बहुत लोगों को सीखने की बड़ी इच्छा रहती है, उन्हीं के लिए स्पेशली हम थोड़ा सा टाइम देकर बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सीखें। ठीक है, तो काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि यार आप जो है बहुत लंबा टाइम लेते हैं, तो इसका ये मकसद नहीं है कि यार बहुत टाइम लेके आपका टाइम वेस्ट करना है। लंबा टाइम लेने का मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा सा है ना, जिन लोग को समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल हम तरीके से समझाएं। अगर एग्री करते हैं तो लाइक कर देना, कहाँ से हमें देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब रेक्टिफायर में लगी सभी डायोड्स को हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये डायोड बिल्कुल शॉर्ट बता रही है, पलट के देखते हैं, शॉर्ट ही है डायोड। ये डायोड भी शॉर्ट बता रही है, ये भी शॉर्ट बता रही है, यानी कि चारों डायोड में शॉर्टिंग आ रही है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है कि चारों डायोड हमारी ख़राब होंगी, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है। ये कैपेसिटर हमें चेक करना है, कैपेसिटर तो फूला हुआ है, चेंज करूँगा ही मैं, फिर भी इसमें शॉर्टिंग बन रही है। तो कैपेसिटर को सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं। जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर ख़राब मिलेंगी वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं हटाता हुआ चलूँगा। अब कैपेसिटर को हम बाहर से चेक करते हैं। जब भी कैपेसिटर आपको फूला हुआ मिले, फटा हुआ मिले, चेंज कर देना। तो कैपेसिटर यहाँ पर देखिए शॉर्ट ही है, फुल शॉर्ट है कैपेसिटर, हटा देते हैं इसको। और कैपेसिटर वाले पॉइंट पर हम चेक करेंगे, शॉर्टिंग चली गई है।
अब हम डायोड पे हम चेक करते हैं। इस डायोड में तो शॉर्टिंग बनी है, इसमें शॉर्टिंग चली गई है, इसमें शॉर्टिंग है, इसमें नहीं, यानी कि दो डायोड में अभी शॉर्टिंग आ रही है, एक और दो। इन डायोड्स को हम निकाल के चेंज कर देंगे। उससे पहले हम दो डायोड और जो बची हैं उनकी एक्यूरेट वैल्यू दे रहा देख लें कि आ रही है कि नहीं। एक तरफ से वैल्यू देता है डायोड और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ पर 536 यानी कि डायोड की जो वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट बन रही है एक में, और दूसरी डायोड में चेक कर लेते हैं हम कौन सी थी, ये वाली थी। पलट के देखते हैं, एक साइड से वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, डायोड की जो वैल्यू है बिल्कुल मिल रही है हमें एक्यूरेट। अब जो डायोड शॉर्ट है उनको हम यहाँ पर हटा देंगे, एक और यहाँ से तीसरे नंबर की डायोड को हम हटा देते हैं। हटाने के लिए एक कटर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। एक एक लेग मैंने इसकी काट दी है। अब बाहर से हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये शॉर्ट होगा ही, ठीक है, ये देखिए ये और ये शॉर्ट है। अब डायोड के जो पॉइंट्स हैं इसमें बने हुए हैं क्या वो भी शॉर्ट है, हम देखते हैं, वो शॉर्ट नहीं है क्योंकि डायोड हमारे शॉर्ट है, उन हमने निकाल दिए। अब डायोड शॉर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि अब भी सही निकलेगा, नहीं है, हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, और वैसे रेजिस्टेंस तो कोई जली भी तो नहीं लग रही है। हम पहले यहाँ पर ये एक हमारी 4148 स्विचिंग डायोड है और एक मुझे जेनर डायोड लग रही है, हाँ ये जेनर डायोड है, ये स्विचिंग डायोड है और ये ट्रांजिस्टर है और ये छोटे से ट्रांजिस्टर है, इनको भी हम चेक करेंगे, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको मैं चेक करूँगा। साथ में ये दो छोटे छोटे कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, सेरेमिक कैपेसिटर, उनको भी मैं चेक करूँगा क्योंकि जो भी चीज़ें हैं पैरेलल पर लगी हुई उनमें शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए। छोटे से ट्रांजिस्टर का नंबर पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ, 8 9014 S9014 9014 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम सही तरीके से। वैसे इस ट्रांजिस्टर में कोई शॉर्टिंग नहीं बन रही है, थोड़ा सा उम्मीद जगी कि हाँ ये बन सकता है। इस वाले ट्रांजिस्टर की तीन लेग में हम चेक करेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, बच गया, ये ट्रांजिस्टर भी बच गया, इसमें भी कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है। अब हमारे यहाँ पर बचे जेनर और स्विचिंग डायोड। हालांकि ये देखिए स्विचिंग डायोड हमारी 4148 जो होती है ना जेनर की ही तरह दिखती है, लेकिन ये डायोड का अलग काम होता है। जेनर का काम रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना सर्किट को ओवर वोल्टेज से, तो जेनर का ये काम होता है और स्विचिंग डायोड का आपका स्विचिंग करना होता है, ठीक है। भले दिखती सेम है लेकिन काम अलग अलग होता है, एक वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लेना, समझ लेना। सेम दिखने से नहीं होता, उसके कार्य से होता है। हालांकि सर्किट में आपको दो डायोड देखने के लिए मिलती हैं, एक डायोड यहाँ पर मिलती है, एक डायोड रेक्टिफायर पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर वन एंड डायोड लगती है, यहाँ पर SRFR डायोड लगती है, ठीक है। बहुत अंतर होता है आपके सर्किट में। सेम कंपोनेंट दिखने पर आप ये मत कह देना कि यार ये एक ही काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस डायोड में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, एक तरफ से वैल्यू हाँ दे रहा है, बिल्कुल कंफर्म। जिन जिन में मुझे डाउट था सभी हमने क्लियर कर लिया है। ट्रांजिस्टर दो जेनर, सॉरी एक जेनर, एक स्विचिंग डायोड, और इस ट्रांजिस्टर में भी मुझे कोई यहाँ पर डाउट नहीं लग रहा। अच्छा, मैं दो सेरेमिक कैपेसिटर भी चेक कर लूँ जो यहाँ पर छोटे छोटे नीले कलर के हैं, जो कि MOV टाइप के दिखते हैं, बट MOV नहीं, ठीक है, MOV अलग चीज़ है, काफ़ी लोग इसको MOV बोल देते हैं बट ऐसा नहीं है। अब लगभग मेरा डाउट क्लियर हो गया, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे थे सभी में यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, फिर से हम एक छोटी सी डायोड यहाँ पर लगी हुई है उसको भी हम एक बार चेक कर लें। हाँ, इसकी वैल्यू भी सही बता रहा है और इस डायोड में भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं। अच्छा, एक बीप बजी और कम वैल्यू दिखाई। ये डायोड हमारी DC डायोड होती है और ये डायोड की वैल्यू थोड़ा सा कम आती है और ये डायोड हमेशा सेकेंडरी सेक्शन पे लगती है, आउटपुट के सेक्शन में, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मर से ही यहाँ पर DC बनाकर आउटपुट में देती है। अब जो चीज़ें खराब हैं वो हम बाहर निकालेंगे, कैपेसिटर शॉर्ट थे और ये दो डायोड हमारी खराब थी। तो ये दो डायोड किस नंबर की लगेंगी? अच्छा, दो डायोड हमारी यहाँ पर 1N4007 नंबर की लगेंगी या फिर IN4007, कोई कोई इसको 1N बोल देता है, कोई कोई इसको IN बोल देता है, उसको लगा लो। देखिए, एक काम आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पर चारों डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि यार चारों डायोड नहीं लगा देनी चाहिए तो नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लगाना चाहो तो जो शॉर्ट है उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो शॉर्ट है उसको ही रिप्लेस करूंगा। अच्छा, मेरे पास अभी NTC नहीं है तो इसकी जगह पर मैं फ्यूज लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज जो हमारे पास है 10 ओम्स का एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 वॉट 10 ओम्स का एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वैल्यू बता दी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप वैल्यू नहीं बताते, वैल्यू बता दी मैंने। हमारे पास सभी कंपोनेंट अवेलेबल हैं, दो डायोड यहाँ पर अवेलेबल हैं,
दो डायोड। देखिए लगाना कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पर जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक तरफ सफ़ेद कलर के कुछ पट्टी दिख रही होंगी और इसमें डायोड की एक तरफ भी सफ़ेद कलर की पट्टी होती है, तो इसको मैच करते हुए लगाना डायोड। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया, तो डायोड के बारे में जिनको जानकारी नहीं है तो वो दस सही से, और इस तरफ पट्टी का डायरेक्शन उस तरफ है तो डायोड के ऊपर भी जो पट्टी बनी रहती है उसका भी डायरेक्शन उस तरफ करके उसको कर लेना। डायोड हमने इस तरीके से रख लिया है और शोल्डिंग भी करेंगे उसके बाद। अच्छा उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटी की वैल्यू इसमें है 400 वोल्ट, 4 पॉइंट सॉरी 450 वोल्ट, 4.7 माइक्रोफेरेड है हमारे पास है इस नंबर का, बट 450 वोल्ट तो नहीं है, 400 वोल्ट है, आराम से 400 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, नहीं है तो 500 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, बट 4.7 माइक्रोफेरेड लगाओगे तो बेटर होगा। अच्छा कैपेसिटी का जो यहाँ पर जगह दी हुई है, कैपेसिटी की जो जगह दी हुई है एक तरफ से लाइन खींची हुई है व्हाइट कलर की, तो इस साइड को हमारे कैपेसिटी का नेगेटिव लेग लगेगा, यानी कि ये कैपेसिटी का नेगेटिव ये वाला होता है, या नई कैपेसिटी में देखो एक छोटा लेग जो होता है वो तो नेगेटिव का होता है, तो उस तरफ आप लगाइएगा। आप गलत डायरेक्शन में कैपेसिटी को लगाएंगे तो तुरंत फट जाएगा, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 सेकंड के अंदर कैपेसिटी फट जाएगा। कैपेसिटी ओवर वोल्टेज से और गलत डायरेक्शन में लगाने से तुरंत फट जाता है। तो ये लग गया अपना कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट, 450 नहीं तो 400 वोल्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये तो लग गया, अब एक और कंपोनेंट बचा एनटीसी। एनटीसी अगर नहीं है तो इस तरीके का 10 ओम्स का फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आप इसमें लगा सकते हैं, अगर एनटीसी है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो कंपोनेंट अवेलेबल हो लगा सकते हो। चलिए अब फटाफट से मैं यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर सारे कंपोनेंट जो जो खराब थे वो हमने रिप्लेस कर लिए हैं और सही तरीके से इसको सोल्डिंग कर लिया है। अब एक बार से टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग हमेशा सीरीज मेथड में ही आपने करनी है, सीरीज बल्ब लगा के ही टेस्ट करना है। अगर पैरेलल पर लगाते हो तो श्योर हो जाओ कि आपका एडोप्टर सही होगा। तो देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जब भी रिपेयरिंग करते हो उसके बाद एक बार टेस्टिंग जरूर सीरीज में उसकी कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना कभी एक छोटी सी है ना हाफ शॉर्टिंग भी कभी रहती है, गलती से भी अगर हाफ शॉर्टिंग उसमें होती है तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम इसमें बन जाएगी, इसलिए सीरीज में हमेशा चेक कर लेना एक बार कंफर्म करने के लिए। अगर आपको सीरीज नहीं पता है तो सीरीज के बारे में एक वीडियो बनाई है उसको देख लेना। तो चलिए सीरीज बल्ब हमारे पास है। सीरीज एक सेफ मेथड होता है किसी भी चीज़ को चेक करने का, कंफर्म करने का कि हाँ जी वो चीज़ सही है या फिर नहीं। तो सीरीज बल्ब की देखिए टेस्टिंग बल्ब है, परछाई यहाँ पर बन रही होगी बल्ब की ऑन करने वक्त, ठीक है। तो अब हमारा एसी पे इसको लगाते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं बनी, बिल्कुल सही तरीके से करंट तो इसके अंदर गया, बट आउटपुट में हो रहा है कि नहीं एक बार कुछ ना कुछ चार्ज तो हो ही गया होगा, देख लेते हैं। हाँ स्टोर हो रहा है इसमें, इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। 16 वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट का है, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो 12 वोल्ट का अडोप्टर है एक्यूरेट 12 वोल्ट नहीं दिखाता, जो ट्रांजिस्टर वाले होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो लोड पर जाएगा तब जाके वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर दिखाता है, अगर आपको लगता है कि ये फिक्स नहीं दिखाता तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखा सकता है। चलिए एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं इसको, इसमें वायर को लगा लेता हूँ और देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी भी। एक वायर इसमें डाल दी मैंने और एक वायर को इसमें हम फिलहाल टेम्प्रेरी चेक करने के लिए ऑन कर लिया है, अब चेक करते हैं। ठीक है 16 वोल्ट, तो 12 वोल्ट के जो एडप्टर होते हैं इस तरीके के ट्रांजिस्टर वाले उसमें थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा ज़रूर दिखाता है, बाकी जब इसमें लोड पड़ता है बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है। आपको इसे 12 वोल्ट की एक इस तरीके की LED जला के दिखा देता हूँ, लाइट जला के दिखा देता हूँ, हालांकि स्ट्रिप तो नहीं मेरे पास, तो इसी को जला के आपको दिखा देता हूँ। ये प्लस का टर्मिनल है, ये माइनस का टर्मिनल है, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा मैं एक बार इसको लगा के चेक करता हूँ वोल्टेज में क्या फर्क आया, ये तो कम से कम पता चल जाएगा इससे। देख लो आप, आपके सामने है जैसे मैं इसको चला रहा हूँ उसके साथ में, और वोल्टेज यहाँ पर फिक्स हो गई है 12 वोल्ट, भले ही वो बिना लोड में आपको, ये देखिए बिना लोड में आपको 16-17 जितना भी वोल्ट दिखा रहा हूँ उसकी टेंशन मत लीजिए, जब आप लोड उसको दे रहे हो उसके बाद ये 12 वोल्ट फिक्स लगभग हो जानी चाहिए, इसका मतलब है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। देखिए लाइट जल रही है और 12 वोल्ट इसने इतना
दिखा दिया है। ठीक है, तो फाइनली ये बनके तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना, और थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लिया मैंने, लेकिन जो चीजें बताई है वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे कि आपने सही तरीके से देखा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।